Okay. Occupational illness, sickness arising out of the employment. Some occupational diseases have long been recognized, such as stress-related complaint are a newer form of occupational illness recognized in some countries. Okay. वो क्या कहते हैं यहाँ पे, वो बताता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिजीज क्या होता है कि ऐसे वो प्रोफेशनल्स जहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी काम में जैसी एक्टिविटी में जिससे खुदा ना खास्ता कल को एज एन आउटकम आपको कोई बीमारी हो सकती है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, या फॉर एग्जाम्पल अटोमिक एनर्जी साइट्स होती है जहाँ पे ऐसी रेडिएशन खुदा ना खास्ता जहाँ से लोग रेडिएशन से अफेक्टेड हों. या टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जिस तरह आजकल ये पेंडेमिक चल रहा है और डॉक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी conscious about the preventive measures and whatever kits they are wearing because this disease is contagious, right? So, kuch bhi aisa ho sake jisse khuda na khasa aapki bimari samne aa jaye, wo occupational related disease hota hai. Theek hai, usme insurance companies different cheeze dekhti hai. Ek to wo dekhti hai ki ye malefic intentions to nahi thi, dusra wo dekhti hai ki jahan pe wo kaam kar raha tha kya wo company ne tamam predictive measures jo the liye hue the, kya wo unki jo responsibility thi ya jo unki behavior tha wo positive tha towards the employees, kya insurance policy ke hote hue unka attitude careless to nahi tha. और फिर ये भी चीजें देखी जाती है कि क्या पॉलिसी की टर्म्स उस डिजीज को कवर कर रही है, वो सर्टेन कोई किसी एक्सक्लूजन में तो नहीं आ रहा. ठीक है, और फिर अगर वो सब कुछ ठीक हो तो ऑफ कोर्स द इंश्योरेंस कंपनी प्रोसीड्स द क्लेम. जी, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस स्कीम अलाउइंग द पॉलिसी होल्डर टू शेयर इन द फेवरेबल और अनफेवरेबल ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. The policyholder or the owner is entitled to an annual distribution of dividends based on the company's operating results. Typically, unrealistically high initial estimates are made of expected losses and expenses. When actual results are more favorable than the initial estimate, dividends are paid to the policyholders. Parallel, the cause of the loss. जी, वो यही बात कर रहा है कि जिसमें आपको profits भी share किए जाते हैं और साथ में आपको losses भी share किए जाते हैं. For example, dividends की base में आपको profits मिल रहे हैं जहाँ पे कम है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है. ओके, समहाउ अभी देखो आज लोग जो आजकल इस्लामिक मोड ऑफ इंश्योरेंस में चल रहे हैं तो वो देखते हैं कि हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें वो ऐसे सेक्टर्स में हो जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट्स हो. और इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो एक बड़ी सर्टेन क्लॉज इंश्योरेंस कंपनीज देती है, ये भी देती है कि जरूरी नहीं है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके पास आएगा. तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो तो बेसिकली फिर सबसे बड़ा जो उसमें जो आर्ग्यूमेंट आता है वो ये आता है कि दिस इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट व्हिच अगेन इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट. जी, द नेक्स्ट इज अ परमानेंट डिसेबिलिटी. सर इसका क्या मतलब है, ये पैरल जो कॉज ऑफ लॉस कह रहा है इस टर्म का? सॉरी, ये लास्ट प्रश्न लिखा है पैरल द कॉज ऑफ द लॉस. देखिए दो चीजें होती है, एक पैरल होता है और एक हैजर्ड होता है. ठीक है, हैजर्ड से क्या मुराद है, कोई भी हो सकता है जो सेवेरिटी होती है किसी चीज की नुकसान की. और पैरल से मुराद है वो वजह जिसकी वजह जिस पे नुकसान हो. फॉर एग्जांपल नुकसान की वजह कॉज ऑफ लॉस इज नोन एज पैरल. फॉर एग्जांपल पैरल्स ऑफ द सी क्या हैं, पैरल्स ऑफ द सी इन्वॉल्व फॉर एग्जांपल एवलॉन्च, फॉर एग्जांपल सुनामीज, पैरल्स ऑफ हाईली कैन से volcano eruptions areas include volcano eruptions. Okay, it includes earthquakes. The perils hote hain ki jo certain causes hoti hain for loss. Okay, agar misal ke taur pe samundar mein koi tufaan aa gaya to uski wajah se nuksan pahunchta hai na ship ko ya koi voyage ko ya koi cargo ko, to usme peril kya tha, वो natural क्या था, disaster था जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा और वो फिर policy terms में claim किया जाता है. क्लियर है ये बात? यस सर. नेक्स्ट इज अ परमानेंट डिसेबिलिटी, अ टर्म डिफाइंड इन डिसेबिलिटी इनकम पॉलिसी. अच्छा, अब दो बातें याद रखें, डिसेबिलिटी में दो चीजें होती है, एक परमानेंट होती है और एक टेंपरेरी होती है. जो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है वो कहते हैं ऐसी चीज को कि जिसमें इंसान मोहताज हो जाए खुदा ना खास्ता, जिसमें वो अपनी पहले वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता, पहले वाली फैसिलिटीज इंजॉय नहीं कर सकता, जिसके बाद उसको समहाउ कोई मजीद असिस्टेंस चाहिए एक सर्टेन लाइफस्टाइल को कैरी करने के लिए, वो उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी आती है. परमानेंट डिसेबिलिटी अगर कोई खुदा ना खास्ता जिसकी हो और वो क्लेम करे
तो उसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड लिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी जो लेती है, जिसमें वो देखती है कि सर्टेन में सारे जो भी उनके करेक्टिव एक्शन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, और उसके बाद वो फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पेमेंट स्टार्ट कर देती हैं। जो टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है वो होती है जिसके अंदर इंसान नो डाउट अपनी एक स्टेट में वापस आने में टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई चीज टूट गई हड्डी वगैरह, जिसके जोड़ तो सकती है लेकिन उसको वक्त लगेगा, और उस दौरान जो उसके जो भी नुकसान है या जो भी लाइफस्टाइल में कमी आई है उसको पूरा करना, इंडेमनिफाई करना, वो टेम्पररी डिसेबिलिटी के जुमरे में आता है। जी sure, personal injuries, broader description of injuries sustained by victims of negligence, that, bodily injuries. Personal injuries can include lost wages and economic damage to reputation, while bodily injuries pertains closely to medical expenses and related losses. The next is plaintiff, the individual alleging injury in a negligence lawsuit. जी, यानी कि जिसको जिसको नुकसान पहुंचा हो, जो आगे उसको अप्लाई करता है क्लेम के लिए, दैट इज द प्लेंटिफ। ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड द प्लेंटिफ। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इज कॉल्ड पॉलिसी, एंड द प्रीमियम इज द पेमेंट मेड बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर। जी, और प्रीमियम बेसिकली क्या है? आपकी एक्नॉलेजमेंट है ना टुवर्ड्स द पॉलिसी दैट यू हैव टेकन। जब आप प्रीमियम पे कर लेते हैं और अगर बंदा आपको प्रीमियम रिसीव कर लेता है यानी कि कंपनी, तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी एक्टिव होगी, ये कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट ली जाती है उस चीज की। द नेक्स्ट इज प्राइमरी इंश्योरर, द इंश्योरर हु फर्स्ट मेक मार्केट्स द इंश्योर्ड, द प्राइमरी इंश्योरर आल्सो नोन एज द सेडिंग कंपनी इन टर्न परचेजिंग इंश्योरेंस इन एन एग्रीमेंट नोन एज री इंश्योरेंस। ओके, ये वही है प्राइमरी इंश्योरर फॉर द कंपनी जो है आगे उसको, जाहिर है जिसका जो बिजनेस कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बढ़कर जब वो कोई काम करना चाह रहा है और वो उसको जाहिर है वो अपने आप को भी सिक्योर करना चाहता है और वो बिजनेस भी अपना इंक्रीज करना चाहता है अपना पोर्टफोलियो, तो वो क्या करता है कि वो सीड करता है बिजनेस टुवर्ड्स द रीइंश्योरर, और रीइंश्योरर के साथ उसकी जो डील होती है वो यही होती है कि कल को जो भी उसमें नुकसान होगा वो सर्टेन परसेंटेज में से शेयर करेगा रीइंश्योरर, उसके अगेंस्ट जो प्रीमियम उसके पास आते हैं वो भी सर्टेन परसेंटेज में रीइंश्योरर से वो बंदा शेयर करता है। Products liability, the liability of manufacturers and vendors arising from the products that insure people using the product. जिस तरह हम आजकल कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, हम बाजार जाते हैं, हम कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं या हम कोई खाने की चीज खरीदते हैं, हम उस पर हम कुछ ये नहीं करते कि हम दौड़ करते हैं कि वो पहले से कहाँ से कोई चीज आ रही है, हम उसको ये क्योंकि हम वो सर्टेन एक आईएसओ स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस के बाद ही वो चीज मार्केट में आई होती है ना हमारे इस्तेमाल के लिए, तो उस पर खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचे या कोई किसी किस्म का कोई इंजरी सस्टेन करे, कोई डैमेज सस्टेन करे खुदा ना खास्ता उस चीज के इस्तेमाल के बाद, तो प्रोडक्ट एंड सर्विस लायबिलिटी के अगेंस्ट वो क्लेम कर सकता है उस सर्टेन कंपनी को भी और जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या उनको भी, मतलब लॉ जो है उनको अलाउ करता है। मिसाल के तौर पे कहीं इसीलिए अभी आप देखें कि जो मल्टीनेशनल होती हैं कभी कहीं पे उन्होंने कोई ऐसा बैच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेडिसिन का या चॉकलेट्स का जो कि एक्सपायर्ड था, फौरन वो कॉल ऑफ कर लेती है प्रोडक्ट मार्केट से, क्योंकि उनको ये होता है कल को अगर इससे खुदा ना खास्ता किसी को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदार वो होंगी और कल को अगेंस्ट लॉ सॉरी अंडर लॉ उनके लिए वो मुश्किल होगा, तो उनको पिनलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल लायबिलिटी, द लीगल लायबिलिटी ऑफ पीपल विद स्पेशल नॉलेज ट्रेनिंग और अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस हु इंजर्ड क्लाइंट्स इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग देयर सर्विस। यहाँ पे बात करते हैं वो तमाम लोग जिनकी एडवाइस या जिनकी डिसीजन बहुत इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ठीक है, और मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है स्टॉक्स का,
और मैं किसी ब्रोकरेज हाउस पे चला जाता हूँ, वहां पे मुझे प्रोफेशनल जो है एडवाइस करते हैं कि आप इन सर्टेन शेयर्स में इन्वेस्ट करें, और वो मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कल को मुझे उस पर नुकसान हो जाता है, कल को इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि जो इनको एडवाइस दी गई थी क्या वो ठीक थी, क्या वो उस वक्त के एनालिसिस के मुताबिक वो एडवाइस एक प्रूडेंट एडवाइस थी, रीजनेबल एडवाइस थी, और अगर सब कुछ ठीक है तो वो फिर अंडर प्रोफेशनल इंडेमनिटी कवरेज उसकी तरह जो मुझे नुकसान पहुंचा है वो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का डिसीजन कल को खुदा ना खास्ता किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है किसी पेशेंट को, और वो समहाउ फोरसीन नहीं था, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। लेकिन कहीं पर कोई बंदा दो नंबर तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है और उसने ऊपर से जो है लीवी है पॉलिसी ली हुई है कि जी वो इंडेमनिफाई हो जाएगा, तो इस ऐसे कामों में जाहिर है इंश्योरेंस कंपनीज भी प्रूडेंट होती हैं और वो उसको फ्रॉड के जरिए में लेती हैं, और ऐसे सर्टेन क्लेम्स को जो है एक्नॉलेज नहीं किया जाता, तो उस पर जाहिर है जो कंपनी होती है, जो प्रोफेशनल होता है, वो ही लायबल होता है। जहाँ पे आपकी एडवाइस बहुत मैटर करती है ना, जहाँ पे लोग आपकी एडवाइस, जैसे लीगल एडवाइस हो गई जिस तरह से प्रोफेशनली, ये जिस तरह से फाइनेंशियल एडवाइस हो गए, ये जहाँ पे ये डॉक्टर्स वगैरह होते हैं मेडिसिन के हवाले से, हेल्थ एडवाइस हो गई, ये वो चीजें होती हैं, ठीक है ना, या कोई कंसल्टेंट है जिससे आपकी कंपनी एडवाइस ले रही है सर्टेन, और एक वो मतलब हर बंदा ने, समझ रहे हैं, मतलब ये वो बात है जिसमें आपके कई ऐसे कॉम्प्लेक्स मैटर्स इन्वॉल्व हैं जहाँ पे वाकई में एक प्रोफेशनल की डिसीजन मायने रखती है, और उस प्रोफेशनल के डिसीजन पे आप आगे काम कर सकते हैं। इसको पिक्चर एंड फिल्म इंडस्ट्री में किया जा सकता है कि आप एक फिल्म अगर जो है उसको नहीं नहीं नॉट एट ऑल, फिल्म रिकॉर्डिंग इज नॉट काउंट, डजंट काउंट होगा, क्योंकि वो तो आपके एक ऑडियंस के ऊपर है, नॉर्म हो सकता है। अब एक फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी थी जो वायरस के ऊपर बनी थी, ठीक है, और वो इस तरह का वायरस था सेम कोरोना की तरह का, जो कि हवा में जो है कंटेजियस है और एक से दूसरे बंदे तक जा सकता है। अच्छा, उस मूवी को किसी कभी पूछा नहीं था, कोरोना आया तो उसके अगले दो महीनों में उस मूवी के लोगों को, जो अक्लमंद यूट्यूबर या ब्लॉगर्स थे, उन्होंने वो जो है मूवी को फौरन ढूंढा के उसके नाम लगा के उसने उसको यूट्यूब पर चढ़ा दिया, मिलियंस ऑफ व्यूज उस पर आए लोगों के, ठीक है ना, जिन जिन्होंने उस पर किया। तो लेकिन मेरे ख्याल में अब उसके अगेंस्ट कोई क्लेम करे कि जी ये इंडेमनिफाई करें लोगों ने हमारे वो राइट्स यूज किए, कुछ ऐसा तो प्रसीव नहीं किया जा सकता था, मेरा नहीं ख्याल मूवी या फिल्म इंडस्ट्री में होती होगी कोई पॉलिसी, पर उनकी टर्म्स मुख्तलिफ होती होंगी, क्योंकि टर्म्स लोग बदल देते हैं ना, सिनारियो बेस्ड करते हैं सारा कुछ, वो स्पेशलाइज जो लोग होते हैं वो देखते हैं। Proximate cause, the first cause in an unbroken chain of events leading to a loss, the cause without which the loss would not be occurred. Proximate cause कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हुआ है तो उसमें इन्वेस्टिगेट किया था कि अगर ऐसा मामला होता तो ऐसा मामला ना होता तो ये नुकसान ना होता, और अप्रोक्सीमेट कॉज देखते हैं कि क्या थी, क्या वो इंटेंशनल थी, मैलाफाइंड थी या नहीं थी, और अगर नहीं है देन इट्स ओके, क्लेम पे किया जाएगा, अगर वो है तो देन द पॉलिसी कैन बी रिपुडिएटेड और द क्लेम कैन बी रिफ्यूज्ड एज़ वेल। The next is punitive damages. Damages awarded by courts in addition to the compensatory damages in case in which the defendants outrageous, what the word is it? Outrageous conduct requires special punishment. Outrageous means इसको जो बंदा expect ना करे, मतलब obnoxious किस्म का, below the belt, यानी के lower than your reasonable behavior. The conduct required special punishment or discouraged similar future conduct. वो कहते हैं ये ऐसा बिहेवियर है जिसके ऊपर कोई पनिशमेंट जो है मिलना जरूरी है, ताकि कल को मजीद फ्यूचर में लोग ऐसा कुछ ना करें, मतलब कोई भी वादा खयाफी इस तरह कर लेना या एक सर्टेन लॉ को आपने जो है डिसओबे किया हो, जिस तरह से आप लोग, मैंने यूज आता था, कोई इशारा आपने तोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल, और ये जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की भी जरूरत नहीं होती है, दीज आर बेसिक रूल्स, ठीक है ना।
अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड हो, आई हैव अ क्वेश्चन, अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड हो और जो इंश्योरेंस है उसको पता चले कि आपकी अपनी गलती की वजह से आपने जानबूझ के जो किया है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है? देखिए, अगर इंश्योरेंस को मालूम है कि आप यहाँ पे ना, अब इन प्रैक्टिस डिफरेंट है, यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं, मतलब ऐसी कंपनीज भी हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी, बट शायद यहाँ पे किसी के पास बिजनेस आ रहा है किसी एक सर्टेन क्लाइंट से साल का अच्छा खासा, और उनका कोई 1 करोड़ का वो प्रीमियम दे रहे हैं और बड़े करोड़ों का उनका बिजनेस कवर्ड है, और समा उनकी किसी बेचे बरखुदा की गाड़ी लग जाती है और वो टोटल लॉस क्लेम कर देते हैं, और समा उनकी गलती भी है, तो अभी पॉलिसी होल्ड जो इंश्योरेंस कंपनी का तैयार कर दो, इसको क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख 15 लाख का क्लेम है लेकिन ये हमें इतना जो है प्रीमियम भी दे रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो कल को ये नौ हमारे हाथ से निकलते हैं। तो प्रैक्टिस जो होती है ना, वो आपके रूल से कहीं मुख्तलिफ भी होती है और वो कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर वेरी करती है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना चाहिए चीज कि अगर जाहिर है आपका नुकसान हुआ है और उसमें आपकी गलती है, और लेकिन गलती मेला फाइंड जो है नहीं है, यानी कि आपने जानबूझ के नहीं किया, आपका बिहेवियर ऐसा नहीं था कि रीजनेबल बिहेवियर था, तो ठीक है। अगर नहीं था रीजनेबल बिहेवियर तो ऑफकोर्स आपकी आपकी पॉलिसी रिप्यूडिएट हो सकती है। Pure risk, a loss exposure in which the only outcome is loss or no change in condition. जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि जिसमें कोई और चेंज नहीं हो सकता, इट्स अ प्योर लॉस। जी Reasonable आगे पढ़िए। person, a legal standard applied in negligence case, allowing the court to evaluate the facts in particular cases. ठीक है, पढ़ते हैं बेटा, अगर किसी भी जगह पे किसी का कोई सवाल आएगा तो आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चन। Reinstatement, the right of a life insurer insurance policy holder to return to lapsed contract to its original लैप्स कौन सा होता है? एक लैप्स पॉलिसी क्या होती है जिसमें आप कहीं ना कहीं प्रीमियम देना भूल जाए, या जहाँ पे आप खुद समाओ पेमेंट आप ना कर सकते हो, अगर पॉलिसी आपकी लैप्स कर जाए तो आपको पता होना चाहिए, तो खुदा ना खासा उस दौरान अगर आपका कोई भी इवेंट अकर होती है और उसमें आपको नुकसान होता है, तो वो आपकी कवर नहीं होगी अंडर टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, क्योंकि आपकी पॉलिसी लैप्स कर गई थी और जो आपको टाइम दिया गया था उसकी पेमेंट करने का प्रीमियम का, उसमें आपने पेमेंट नहीं की। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होती है कि अगर आप उस लैप्स पीरियड में भी सर्टेन टाइम पीरियड में अपनी पॉलिसी को रीइंस्टेट करना चाहें, तो जो आपकी पेमेंट पेंडिंग होती है वो आप करते हैं, और उसमें कोई एडिशनल आपकी पेमेंट्स होती हैं या पेनल्टीज होती हैं वो आप पे करते हैं, और उसके बाद आपकी पॉलिसी रीइंस्टेट हो जाती है उस सर्टेन टाइम पीरियड से। Replacement cost insurance, a property insurance policy in which the insurer provides payment for the replacement cost of the insured property rather than the actual cash value. A typical requirement causes the insured to actually repair or replace the damaged property to receive the amount. यानी कि इंश्योरर जो खुदा ना खासा घर में किसी चीज को आग लग गई है, उसके ऊपर उसने वो चीज को बदलना है, तो उसको वो देखेगा सेम वो चीज तो नहीं बदल सकता, मेरे घर में दियार की लकड़ी लगी हुई है, अगर खुदा ना खासा आग लगती है और मैं कहता हूँ जी मुझे दियार की लकड़ी से रिप्लेस करके दो, तो वो ऐसा नहीं करेगा। रूल्स क्या कहते हैं, वो डिप्रिसिएशन काम करेगा, जो करंट अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन होगी जो कि इकोनॉमिकल भी होगी, बजट में होगी, उसके साथ वो मुझे इंडेमनीफाई करेगा। ठीक है जी। Representation, a statement made by an applicant and an insurance application. The insurer relies on the truth of the applicant's representation in underwriting. Representation यही है कि अगर किसी का नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए जाहिर है वो एक representation देगा कि मेरा ये नुकसान है और मुझे उसमें support किया जाए, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उस चीज को कंसीडर करती है और फिर सर्टेन जो है एक्शन लेती है, क्या या कि क्या करना है, पॉलिसी को रिप्यूडिएट करना है, पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट करना है, या अगर हर चीज पूरी है तो इस बंदे का क्लेम सर्टेन टाइम पीरियड में पे ऑफ करना, तो ये जो भी उनकी कॉर्पोरेट क्लेम्स फिलोसफी होती है उस हिसाब से जो है कंपनी उसको डील करती है। मेरा ख्याल है इसको यहाँ तक फिलहाल आज काफी है, या इसको आगे भी कंटिन्यू आप करना चाह रहे हैं? सर काफी आई थिंक आज तक। चलें चलें ठीक है, ये प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर जो है शेयर कर लीजिए। सर सिलेबस पे थोड़ा सा बता दीजिएगा, हमारा जो एज पर स्केड्यूल है, कोरोना से पहले जो उन्होंने स्केड्यूल दिया था वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारे मिडटर्म है, सो उसके ऊपर बेटा अभी तो इट्स टू अर्ली फॉर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। अगर आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिडटर्म्स हैं तो अभी तो मेरे से सिलेबस ना ही पूछें आप, मेरे से 28 से 21st से 22nd के बाद ये बात कर लीजिएगा। नहीं नहीं सर, जस्ट वांटेड टू आस्क कि जो हम पढ़ रहे हैं यही दैट विल बी द पार्ट ऑफ द मिड टर्म। यार मेरी बात सुनो, जो चीज तुम लोग पढ़ रहे हो मैं क्या इतना वेला हूँ कि जो
चीज तो मैंने पेपर में नहीं देंगे, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा नोटेड सर, ठीक है, जो चीज पढ़ रहे हो ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और इसके साथ अगर मुझे मजीद लगेगा कुछ कि मुझे ऐड करवाना है या रेफरेंस में तुम लोगों को पढ़ने के लिए रीडिंग मटेरियल देना है तो वो मैं दूंगा। मैंने हमेशा एक बात की कि मैं जो भी सवाल दूंगा उसमें जो बच्चा मेरे नोट्स को पढ़ के खाली जवाब देगा वो मेरे लिए अहमियत नहीं रखता, मेरे लिए अहमियत वो रखता है ज्यादा जो मेरे नोट्स को जरूर पढ़ेगा लेकिन साथ में बाहर से ऑनलाइन रिसर्च करेगा, रेफरेंस मटेरियल को देखेगा और उसके बाद जवाब देगा जिसमें मुझे भी कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। ये नोट्स मैं कोई 25 बार पढ़ा चुका हूँ, अगर मैं एक ही चीज देखूंगा तुमसे तो मैं तुम्हें ग्रेड भी वैसे ही करूंगा, और कोई अगर मुझे बाहर से फॉर एग्जाम्पल सर्टन एग्जाम्पल्स दे के समझाएगा उस कॉन्सेप्ट को, मेरे लिए उस बच्चे की वैल्यू उसके पेपर की वैल्यू ज्यादा होगी और मैं उसको इनकरेज करूंगा। और कैसे इनकरेज करूंगा? विद द हेल्प ऑफ गुड स्कोर्स। ठीक है, और बिल्कुल भी इतना ब्रीफ नहीं कि उसमें आप एक्सप्रेस ना कर सके, मैं चाहता हूँ कि आप आंसर को प्रॉपरली एक्सप्रेस करें, गिट्ठे नहीं नापते, ना ही मुझे गिट्ठे चाहिए कि बड़े बड़े आंसर चाहिए, क्लियर हो, एक्सप्रेस प्रॉपर आंसर किया है, इट्स एनफ फॉर मी। ठीक है, और कोशिश करें कि छोटी मोटी जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो ना करें, इस एज पे इस लेवल पे आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता।